Welcome to Bind EduTech, and we are going through the chapter, "The Enemy," written by Pearl S. Buck. We have covered a lot of part of this story so far in the earlier videos. इन द प्रीवियस वीडियो वी वर डिस्कसिंग दैट ऑन द सेवेंथ डे टू थिंग्स हैपेंड एट सदाउज हाउस सातवें दिन सदाओ के घर दो इम्पॉर्टेंट चीजें होती हैं एक मॉर्निंग में और एक आफ्टरनून में मॉर्निंग में ये होता है कि सारे नौकर घर छोड़कर चले जाते हैं रोते हुए जाते हैं हाना सबको थैंक यू बोलती है वो भी इमोशनल थी पर वो अपने चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा नहीं ला रही थी बिकॉज ऑफ द प्राइड ऑफ बींग अस्ट्रेस एक मालकिन होने के नाते वो अपनी इमोशंस पर कंट्रोल कर रही थी हावेवर फ्रॉम इनसाइड शी वॉज ऑल्सो वेरी इमोशनल शी देम फॉर देयर सर्विस सो फार फ्रॉम सदाउज फादर्स टाइम यूमी जो बच्चों से बहुत अटैच्ड रहती है यूमी दौड़ते हुए वापस आती है गेट से वापस आकर के हाना को बोलती है कि अगर बच्चे परेशान करेंगे मुझे मिस करेंगे तो आप मुझे बच्चों को मेरे घर भेज दीजिएगा आपको मेरा घर मालूम है हाना स्माइल करते हुए उसको थैंक यू बोलती है बट फ्रॉम इन साइड हाना ये डिसाइड करती है कि चाहे जो भी हो जाए वो अपने बच्चों को उसके घर नहीं भेजी फिर सुबह का जो काम था ब्रेकफास्ट बनाने का काम हाना करती है सदाओ बच्चों का केयर करता है आफ्टरनून में दोपहर में दूसरी बड़ी घटना घटती है यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं इन द आफ्टरनून द सेकेंड हैपेंड। दोपहर में हाना देखती है कि एक मैसेंजर यूनिफॉर्म में ऑफिशियल यूनिफॉर्म में हाना के घर की तरफ आ रहा है ये देख कर के हाना बहुत घबरा जाती है यहाँ देखिए लिखा हुआ है हर हैंड्स वेंट वीक और ये भी लिखा हुआ है शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ मतलब वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी एक पुलिस वाले को अपने घर की तरफ आते हुए देख करके के हाना को लगा कि लगता है नौकरों ने बाहर जा कर के ये अमेरिकन घायल सोल्जर जो हमारे घर पे है उसके बारे में किसी को बता दिया तभी पुलिस आई है उसके घर हाना दौड़ते हुए सदाव के, तर, आ, के पास जाती है सदाव अपने ऑफिस में बैठा हुआ था बुक पढ़ रहा था कोई लेकिन जब तक वो पहुंचती है वहाँ तब तक वो मैसेंजर भी वहाँ पहुँच चुका होता है तो हा हाना जो है वो कुछ बोल नहीं पाती सदाओ को बस वो हेल्पलेसली पॉइंट करती है उस मैसेंजर की तरफ जो यूनिफॉर्म में खड़ा था वहाँ सदाव अपने ऑफिस में था वो बुक्स पढ़ रहा था और उसके ऑफिस का जो एक और दरवाज़ा था वो गार्डन की तरफ खुलता था जहाँ पे सनसाइन इन्जॉय करते थे वो लोग जब वो मैसेंजर आया सदाओ मैसेंजर सदाओ ने मैसेंजर के तरफ देखा वो बुक पढ़ रहा था ही वॉज़ इन हिज ऑफ़िस तो उसका अदर पार्टीशन खुलता था गार्डन की तरफ जहाँ सनशाइन इन्जॉय करते थे सदाव ने पूछा व्हाट इज़ इट ही आस्क्ड द मैसेंजर कि क्या काम है क्यों आए हो एंड व्हेन ही एंड देन ही रोज़ सीइंग द मैंस यूनिफॉर्म और उसके बाद वो जब देखता है कि यूनिफॉर्म में आया है तो वो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए खड़ा हो जाता है सदाओ पूछता है क्या बात है क्यों आए हो मैसेंजर जवाब देता है यू आर टू कम टू द पैलेस मैसेंजर बोलता है कि आपको पैलेस आना है क्योंकि जो ओल्ड जनरल है वो फिर से पेन में है उसकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई है तो उन्होंने आपको अपने महल में बुलाया है ये मैसेज देने के लिए वो मैसेंजर आया था बट हाना ने सोच रख सोचा था कि मैसेंजर अरेस्ट करने के लिए आ रहा है हाना ये सुन कर के बहुत राहत महसूस करती है कि ऐसी और कोई बात नहीं है ये सिर्फ ओल्ड जनरल का मैसेज पहुंचाने के लिए आया है तो बहुत रिलैक्स्ड फील करती है वो चला जाता है मैसेंजर अपना मैसेज दे करके कि जनरल ने आपको पैलेस बुलाया है सदाव तैयार होता है जाने के लिए और जाने से पहले वो हाना से मिलता है जो किचन में बैठी हुई थी यहाँ लिखा हुआ है सदाओ केम टू से गुड बाय शी वॉज इन द किचन वो जाने से पहले हाना से मिलने आता है हाना किचन में थी बट डूइंग नथिंग लेकिन वो कुछ काम नहीं कर रही थी बस बैठी हुई थी द चिल्ड्रेन वर ए स्लीप एंड शी सैट मेयरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट बच्चे जो थे वो सो रहे थे और वो बैठ करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम फ्राइट दैन फ्रॉम वर्क ये जो घबराहट थी हुई थी उसको उस मैसेंजर को देख करके उसके वजह से हाना ज़्यादा थकावट महसूस कर रही थी अपने काम के वजह से नहीं उस मैसेंजर के आने के वजह से हाना बहुत वीक फील कर रही थी वो बैठी हुई थी किचन में शी वॉज डूइंग नथिंग उस समय सदाव आया उसको गुड बाय बोलने के लिए कि मैं जा रहा हूँ पैलेस मिल के आता हूँ जनरल से जब वो मिलने आया तो हाना ने कहा आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू सी सेड हाना ने कहा कि मुझे एक बार तो ऐसा लगा कि आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं ही गेज डाउन इन टू हर एंक्सियस आईज सदाव हाना की आंखों में देखता है आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक और बोलता है कि मैं इस आदमी से छुटकारा पाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ लूंगा फॉर योर सेक तुम्हारी खातिर वो जब देखता है कि हाना इतनी घबरा गई है तो वो उससे ये प्रोमिस करके जाता है कि मैं इस अमेरिकन सोल्जर का से छुटकारा पाने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढूंगा फ़ॉर योर सेक तुम्हारी खातिर आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन गेट रिड मतलब छुटकारा पाना इस आदमी से छुटकारा पाने का मैं उपाय ज़रूर निकालूंगा फॉर योर सेक वो हाना को ये बोल के जाता है ही सेड इन डिस्ट्रेस और वो बहुत संकट में था उस समय डिस्ट्रेस में था जिस समय उसने ये बात कही हाना से सम हाउ आई मस्ट गेट रिड ऑफ हिम वो दोहराता हुआ जाता है सम हाउ किसी भी तरह से मुझे इस आदमी से छुटकारा पाना ही होगा फॉर वो भी फॉर हिज फैमिलीज सेक मतलब अपने परिवार के खातिर वो उस सोल्जर से छुटकारा पाने का कोई भी उपाय निकालेगा जरूर निकालेगा यह वादा करके वो जाता है हाना को छोड़ करके जनरल के पास अब यहां स्टोरी में फर्स्ट टाइम एक सेकेंड पार्ट शुरू होता है सदाव गोज टू सी द जनरल सदाव जो है वो अब जनरल के पास जाता है उनको देखने के लिए ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली आई अंडरस्टैंड फुली यहाँ पर स्टोरी में एक गैप दे दिया गया है पर्स जैसा ये स्टोरी अभी तक चल रहा है डॉक्टर सदाओ अच्छे से जानता था कि जनरल को उसकी ज़रूरत है सिर्फ उसी पर भरोसा करता है जनरल ये सदाओ को अच्छे से मालूम था सदाओ यह भी जानता था कि जनरल चाह करके भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा क्योंकि अगर मुझे नुकसान पहुंचा तो फिर जनरल का इलाज कौन करेगा किसी और पे जनरल को भरोसा था ही नहीं ये बात सदाव अच्छे से जानता था तो सदाव ने क्या किया इट्स नॉट रिटर्न ये कहीं लिखा हुआ नहीं है बट अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ये एज्यूम कर सकते हैं हम लोग यहाँ जो बातचीत हो रही है डॉक्टर सदाव और जनरल के बीच उस बातचीत से हम लोग ये एज़्यूम कर सकते हैं कि सदाव ने जनरल को जा कर के सारी बातें उस अमेरिकन सोल्जर के बीच पर पाए जाने से लेकर के अभी तक की सारी बातें सदाव जनरल को जा करके बता देता है खुद से बताता है लेकिन बताने का तरीका अलग होता है वो ये नहीं बोलता कि मैंने डॉक्टर का फर्ज निभाने के लिए उसका इलाज किया या इंसानियत का फ़र्ज निभाने के लिए ह्यूमैनिटी के लिए उसका इलाज किया ऐसे वो नहीं बताता है वो अलग तरीके से बताता है जनरल को अभी आगे इसमें लिखा हुआ मिलेगा कि वो किस तरीके से जनरल के सामने प्रेजेंट करता है उस अमेरिकन सोल्जर के बारे में वो बोलता है जनरल को कि मुझे उस अमेरिकन सोल्जर से कोई लेना देना नहीं है और मैंने उसको अपने घर में इसलिए रखा ताकि मैं ये एक्सपेरिमेंट कर पाऊं कि इतने बुरे हालत में भी कोई अगर रहे पेशेंट तो मैं उसकी जान बचा पाऊंगा या नहीं ये सदाव एज एन एक्सपेरिमेंट बताता है जनरल को कि मुझे कोई लेना देना नहीं है बस मैंने एज एन एक्सपेरिमेंट उसको अपने घर में लाया मैं ये देखना चाहता था कि इतने ख़राब कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति हो पेशेंट हो तो क्या मैं उसको बचा सकता हूँ ये देखने के लिए मैंने उसको अपने घर पे रखा था ये बात सदाओ जा करके जनरल को इस तरह से बताता है उसकी बात सुनने के बाद जनरल रिप्लाई देता है ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड फुली जनरल थोड़े वीक शब्दों में बोलता है वो बीमार था बोलता है कि मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूं जो तुम बोल रहे हो कि तुमने उसको एज एन एक्सपेरिमेंट अपने घर पे रखा मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ पूरी तरह से समझ सकता हूँ क्यों उसका भी रीज़न यह है दैट इज बिकॉज आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन क्योंकि जनरल भी प्रिंसटन जो एक यूनिवर्सिटी है न्यू जर्सी में मतलब यूनाइटेड स्टेट्स में अमेरिका में वहाँ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक डिग्री मतलब किसी चीज़ की पढ़ाई करने के लिए जनरल भी गया था अमेरिका तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ बिकॉज़ वंस आई वंस टू अ डिग्री इन प्रिंसटन क्योंकि मैंने भी अमेरिका में रह करके के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है वहाँ से डिग्री लिया है मैं भी तुम्हारी बात समझ सकता हूँ कि तुमने उसको एज एन एक्सपेरिमेंट अपने घर में रखा सो फ्यू जैपनीज़ हैव और ये बातें सारे लोग नहीं समझ सकते क्योंकि सारे जैपनीज़ को अमेरिका जाने का मौका नहीं मिला है उनको समझने का मौका नहीं मिला है तो जनरल बोलता है कि मैंने भी अमेरिका से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से एक डिग्री लिया था तो मैं तुम्हारी बातों को अच्छे से समझ सकता हूं आई नथिंग फॉर द मैन आई वो जब जो सदाव है वो यहां पर जनरल को बता रहा है ये सेंटेंस ये बता रहा है सदाव आई केयर थिंग फॉर द मैन बोलता है कि मुझे उस आदमी से कोई लेना देना नहीं मैं उसकी कोई चिंता नहीं करता एक्सीलेंसी एक्सीलेंसी मतलब रिस्पेक्ट के साथ जनरल को बोलता है एक्सीलेंसी बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विथ सच सक्सेस डॉट 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 मतलब जो मैंने बताया कि सदाओ जा करके जनरल को उस अमेरिकन सोल्जर के बारे में बता देता है पर बताने का तरीका जो था वो थोड़ा अलग था वो ये बोलता है कि मुझे कुछ लेना देना नहीं है मैंने उसका सिर्फ ऑपरेशन इसलिए किया ताकि मैं देख सकूँ कि ऐसे केसेस में भी मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ या नहीं मैं टेस्ट कर रहा था अपने आप को ये मेरे लिए एक टेस्ट था और वो अमेरिकन जो है वो बस मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट था एंड नथिंग मोर देन दैट जनरल बोलता है यस यस जनरल सेड जनरल बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ मैं समझ सकता हूँ कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए एक एक्सपेरिमेंट कर जा, जाने वाला एक व्यक्ति है और कुछ तुम्हारा लगाव उससे नहीं है इट ओनली मेक्स मी फील मोर इन डिस्पेंसिबल वो जनरल जो है वो ये लाइन बोला है कि तुमने उस अमेरिकन सोल्जर को जिस हालत में बचाया है उससे तो मेरा तुम पर विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया है बोलता है इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इनडिस्पेंसिबल इनडिस्पेंसीबल का मतलब है अनिवार्य मतलब जिसके बिना काम नहीं चल सके डॉक्टर सदाव के बिना जनरल का काम नहीं चल सकता था डॉक्टर सदाव पर ही जनरल को भरोसा था और जब डॉक्टर सदाव ने जनरल को बताया कि उसने इतने बुरे कंडीशन में एक व्यक्ति को ऑपरेट करके बचा लिया है उसका जान तो जनरल का भरोसा जो पहले से था सदाव पे वो और बढ़ जाता है मतलब सदाव जनरल के लिए अनिवार्य है सदाव के बगैर जनरल का काम नहीं चल सकता है यू आर मोर इनडिस्पेंसिबल टू मी जनरल बोलता है कि तुम और अनिवार्य हो गए हो मेरे लिए एविडेंटली यू कैन सेव एनी वन ये जनरल बोलता है कि तुमने जो उस सोल्जर को बचाया उससे ये प्रूफ होता है कि तुम किसी को भी बचा सकते हो कितनी भी बुरी हालत हो पेशेंट की तुम उसको बचा सकते हो यू आर सो स्किल्ड तुम इतने काबिल हो कि तुम किसी भी कंडीशन में पेशेंट रहे उसको तुम बचा सकते हो ये जनरल बोल रहा है यू से यू थिंक आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव टू अब जनरल जो है वो सदाव से पूछता है कि सदाव आ, ये बताओ कि जैसा अटैक मुझे आज हुआ जो पेन में जो था वो अटैक वर्ड यूज कर रहा है पर सम काइंड ऑफ हार्ट प्रॉब्लम सम काइंड ऑफ हार्ट अटैक तो वो शायद उसको आया था जनरल को तो वो बोलता है पूछता है डॉक्टर सदाव से कि सदाव आपको क्या लगता है कि आज जैसा अटैक मुझे आया क्या ऐसा अटैक आगे और आएगा तो मैं उसको झेल पाऊंगा, क्या मेरा बॉडी और अटैक झेलने के लायक है वो तो सदाव से पूछता है सदाव जवाब देता है नॉट मोर देन वन सदाओ सेड सदाओ बोलता है कि नहीं अगर एक बार भी और आपको ऐसा अटैक आया तो आप नहीं बच पाइएगा सदाव भी हर तरीके से जनरल को ये भरोसा दिला रहा था यकीन दिला रहा था कि आपको अगर कोई बचा सकता है तो वो मैं ही हूँ मैं आपके लिए अनिवार्य हूँ मेरा होना आपके लिए अनिवार्य है वो जनरल को ये एहसास दिलाना चाहता था ताकि सदाव को कोई नुकसान ना पहुँचे सदाव बोलता है कि नहीं आप एक बार से ज़्यादा और नहीं झेल पाइएगा तो जनरल जवाब देते हैं देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू देखिए यहां जनरल का सेंटेंस है कि सदाओ मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा मतलब कि तुमने एक अमेरिकन सोल्जर को अपने घर में रखा उसका इलाज किया उसको बचाया ये अगेंस्ट द लॉ है ये कानून के खिलाफ है ये एक तरह से देशद्रोह है मगर फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा नथिंग टू हैपन टू यू जनरल बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. वो पहले तो सदाव को ये बोलता है कि आ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा तुम मेरी जरूरत हो तुम मेरे लिए अनिवार्य हो ये बोल करके जनरल जो है वो कुछ सोच में पड़ जाता है जनरल कुछ सोचने लगता है और उसका चेहरा जो है वो एक्सप्रेशन लेस हो जाता है मतलब उसका चेहरा जो है उस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं रहता उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो जाता है जिसका मतलब है दैट ही इज इन डीप कि वो बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ है जनरल थोड़ी देर तक डीप थॉट में रहता है और फिर बोलता है यू कैनॉट बी अरेस्टेड जनरल सेड बोलता है कि तुमको अरेस्ट नहीं किया जा सकता मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ एंड द नेक्स्ट डे आई हैव टू हैव माय ऑपरेशन जैसा डॉक्टर सदाव जानता था खुद भी पहले से ही कि जनरल को मेरी ज़रूरत है इसीलिए डॉक्टर सदाव ने जनरल को उस अमेरिकन सोल्जर के बारे में बता दिया था वो जानता था सदाव जानता था कि जनरल मुझे कुछ नहीं होने देगा क्योंकि जनरल को मेरी ज़रूरत है यहाँ जनरल खुद अपने मुंह से बोल रहा है यू कैनॉट बी अरेस्टेड तुमको अरेस्ट नहीं होने दूंगा मैं सपोज़ यू आर कंडेम टू डेथ जनरल बोल रहा है कि मान लो कि तुमको अरेस्ट कर लिया गया देशद्रोह के आरोप में एक दुश्मन सैनिक को अपने घर में रखने के आरोप में तुमको अरेस्ट कर लिया गया और तुमको डेथ की सजा दी गई तुमको मौत की सजा दे दी गई और उसके अगले दिन अगर मुझे ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई तो मेरा ऑपरेशन कौन करेगा ये मेन रीजन था जनरल सदाओ को बचाना चाहता था ये जानते हुए भी कि सदाओ ने एक दुश्मन की जान बचाई है ये जानते हुए भी जनरल जो है वो सदाओ को कुछ नहीं होने देने का प्रॉमिस करता है बोलता है यू नॉट बी अरेस्टेड और बोलता है कि अगर तुमको कुछ हो गया और अगले दिन हमको अगर ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ गया तो फिर क्या होगा मेरा उसको तो सिर्फ सदाओ पर भरोसा था कि सदाओ कैन सेव एनी बडी इन एनी कंडीशन उसको भरोसा था कि सदाओ किसी भी तरह के गंभीर पेशेंट को वो पेशेंट किसी भी स्थिति में हो सदाव उसको बचा सकता है जैसे सदाओ ने उस अमेरिकन सोल्जर को बचाया ये सबूत था जनरल के लिए जनरल बोलता है कि Uh, मान लो कि तुमको अगर मौत की सजा दे, दे, दे दी गई और उसके अगले दिन मुझे ऑपरेशन की जरूरत पड़ गई तो फिर मेरा क्या होगा इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं इस बारे में कुछ करता हूं डॉक्टर सदाओ जनरल को बोलते हैं देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी सदाव सजेस्टेड सदाओ बोलता है कि मेरे अलावा भी और सर्जन्स हैं अच्छे सर्जन्स हैं जो आपका इलाज कर सकते हैं तो जनरल का रिप्लाई क्या आता है नन आई ट्रस्ट द जनरल रिप्लाइड जनरल बोलता है नन आई ट्रस्ट कि तुम्हारे अलावा मुझे किसी भी सर्जन पर भरोसा नहीं है क्यों इसका भी जवाब आगे जनरल देता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे देखेंगे थैंक यू